हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम के उद्यान समिति के अध्यक्ष महेश जी त्रिवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो चैनल पर आपका स्वागत है सर। विगत शुक्रवार के दिन प्रशासनिक समिति की बैठक होती है और बैठक के अंदर का नजारा ये देखने को मिलता है कि तमाम अधिकारीगण, भले वो उद्यान समिति अधीक्षक हों या स्वास्थ्य अधिकारी हों, वे सभी जिम्मेदारी लेने से पीछे हटते रहे। इस विषय में क्या कहेंगे? एक तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। समय समय पर उदयपुर की समस्या से नगर निगम या अन्य विभाग आम जनता की जो समस्या आती है उसकी जानकारी आप देते हैं और हम प्रयास करते हैं कि कोई भी मीडिया कर्मी कोई भी चीज बोलता है तो हम कोशिश करते हैं उसको जितना जल्दी नियमानुसार और करके हम समाधान का प्रयास करते हैं। आपने प्रश्न पूछा प्रशासनिक समिति का, तो प्रशासनिक समिति ने आपने बोला भी अधिकारियों ने मना किया। सबसे बड़ा विषय आप एक विभाग के अधिकारी ने अगर मना किया होता तो हम मान सकते थे कि उनकी ऐसी इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन गुलाबबाग के अंदर दो प्रमुख समिति और उसके ओएसडी मना करते हैं जी, तो निश्चित रूप से विचारणीय प्रश्न है। कहीं न कहीं काम करने की प्रवृत्ति, काम करने का तरीका, यहाँ कहीं कहीं किसी विभागों को सहयोग में कहीं की कमी एक दूसरे को लगती है, इसलिए उन्होंने मना किया जी। लेकिन इसमें आपके चैनल के मार्फत सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बताऊं कि यह गैप क्यों रहा, ये एजेंडा गोलाबाग संबंधित जो प्रशासनिक बैठक में लिया गया वो महापौर जी के स्वयं के लिए द्वारा लिया गया जी। इसकी हमने कोई अनुशंसा नहीं की जी, ना हमें कोई इसकी जानकारी थी। जब वो एजेंडा का कागज आया तब हमें पता पड़ा गोलाबाग से भी कोई डिस्कस है जी। एजेंडा प्राप्त होने के बाद भी महापौर जी का निश्चित रूप से अधिकारी उदयपुर की कोई भी समस्या आती है तो वो उसको ले सकते हैं जी। लेकिन एक महापौर जी की इसमें कमी रही, एजेंडा लेने के बाद भी उस संबंधित अध्यक्ष से या उसके इंचार्ज से 7 दिन का समय मिला उसके अंदर जी, उनकी क्या इच्छा शक्ति और वो क्या चाहते थे, अगर बैठक के पहले अगर हम लोगों से वो थोड़ी चर्चा कर लेते ना तो निश्चित रूप से बैठक का सार्थक परिणाम निकलता जी। इसकी हमारे उनकी जानकारी नहीं थी, मना किया। उसका कारण भी ये था कि एकाएक कोई चीज हमारे ऊपर डालना चाह रहे थे कि आप संभालो जी। लेकिन मैं गुलाबबाग को बहुत नजदीक से इन दिनों भी देख रहा हूँ, पहले भी देखता था, मैंने बार बार महापौर जी से आग्रह किया कि भी या तो आप पूर्व में मुझे आप जानकारी देते हो तो मैं कुछ शर्तों के अंदर कहाँ कमी पैसे आ रही मैं उस पर थोड़ा सा सर्च करता। एकदम आप इस चीज को करना चाह रहे हो तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो 15 दिन बाद वापस बैठक बुला लो उसके लिए जी। तो इस टेंडर के अंदर जो त्रुटि है या स्वास्थ्य विभाग को भी कोई दिक्कत आ रही है या अन्य विभाग को भी दिक्कत आ रही है, मुझे भी कोई दिक्कत आ रही है, सभी विभाग को ओएसडी से बात करके उनको चर्चा करनी चाहिए थी या चर्चा कर लेनी चाहिए कि क्या दिक्कत आप लोगों को आ रही है इसके अंदर और क्या इसमें अपन संशोधन कर सकते हैं, उस आधार पे आप तालमेल करके या मैं स्वयं को ले लो। आप नहीं, मेरे जितने साथी थे सब अचंभ में थे कि महेश जी ने मना कैसे कर दिया खाली उद्यान गुलाबबाग पूरा लेने से जी। उसमें दो चीज थी, गुलाबबाग में यस करते ही दूसरे दिन अखबार की हेडलाइन बनती, यहाँ पे मीडिया की हेडलाइन बनती, गुलाबबाग उद्यान के अधीन। लेकिन अभी जो टेंडर लगा हुआ है जी, टेंडर के अंदर शर्तों के अंदर स्वास्थ्य विभाग की भी बहुत बड़ी भूमिका है जी, उसमें विद्युत विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है जी, गैराज विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। संपूर्ण गुलाबबाग रहने का मतलब मैंने जो समझा, अब उन्होंने क्या समझा मुझे मालूम नहीं क्योंकि उन्होंने मेरे से डिस्कस नहीं किया जी। संपूर्ण गुलाबबाग लेने का मतलब होता है कि सब जिम्मेदारी मुझे वहन करनी जी, जिसके अंदर कोई अन्य विभाग जो वहां काम कर रहा है वो काम भी मुझे करना है जी। जैसे सफाई का था, सफाई के अंदर
सूखा डस्टबिन जो कहते हैं मिनरल वाटर की बोतल हुई चिप्स हुई जिसको जरूर हुए, ये उद्यान विभाग की कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के तालमेल से जगह जो फिक्स कर रखी है वो उनको इकट्ठा करके उद्यान विभाग के लेबर को डाली, लेकिन उठाने के ले जाने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग जी। बारिश का पानी गार्डन में जो आएगा उसको क्यारी में डाइवर्ट करना वो उद्यान विभाग की जिम्मेदारी जी। परंतु इसे खांजीपीठ क्षेत्र से बारिश के दिनों में जो गंदा पानी नाला जो आता है वो स्वास्थ्य विभाग के उद्यान विभाग के सहयोग से और मिलके स्वास्थ्य विभाग को उसको काम करना था जी। उसमें जितने की वो मेरे को डाउट इसलिए हुआ कि उपमहापौर जी ने बोला कि पुतली चौराहे के ऊपर कई जमी हुई थी, तो मैं जी आपके उद्यान विभाग के कर्मचारी लगा तो सफाई करा था, आप करा सकते थे। तो अगर फाउंटेन का ठेका नगर निगम ने अलग से दे रखा ऑपरेशन और सफाई का तो वो मैं क्यों करूं। अगर मेरा ना करने का एक ही कारण था कि या तो आप उसके अंदर स्पष्टीकरण कर लेते हैं कि ये चीज आपको संभालनी है, लेकिन आपने डायरेक्ट निर्णय ये लिया कि उद्यान विभाग पूरा गुलाबबाग संभालेगा, तो वेरिफिकेशन नहीं किया, बांटा नहीं इसको, ये काम करना ये नहीं काम करना, इसलिए माना अगर मैं ले लेता। अब मैं आगे इसकी बात बताता हूँ, रहते ही न्यूज बनती है, प्रशासनिक बैठक में निर्णय का मतलब हुआ सबको स्वीकार है जी, दूसरे दिन से सब विभाग हाथ खड़े कर देते जी। फिर मैं मेरे कॉन्ट्रेक्टर को कहता जी कि तेरे को फुहारे साफ करना है जी, वो मुझे कानून का डंडा बताता है मेरे साथ जी, मैं उसको कहता ये कचरा उठा के तेरे को बाहर खाली करना, वो कहता मेरे साथ। तमाम चीजें हम आपकी समझ चुके हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि भाई जब छह विभाग मिलकर गुलाबबाग को संवारने और सजाने संवारने का काम कर रहे हैं तो अकेले उद्यान विभाग उसकी जिम्मेदारी क्यों ले। और उद्यान विभाग को जिम्मेदारी देनी थी तो टेंडर नया करना था, या तो उसको आप निकालो, या मैंने ये भी बोला कुछ शर्तें हम देते हैं सब विभाग वाले जी, और नियमानुसार अगर वो शर्तें अलग से अगर ऐड हो सकती है, उसमें 2-5 लाख रुपए का खर्चा भी आवेगा, दिक्कत वाली बात नहीं जी, तो या इस पे चर्चा करो आप जी, हमें पहले कह देते। इस सब चक्कर में जो गुलाबबाग की स्थिति दिन पे दिन बदहाल होती जा रही है उस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप उद्यान समिति के और उद्यान की खूबसूरती बरकरार रखना तो आपका दायित्व और कर्तव्य है। मेरा उद्यान का आप निरंतर आप लोगों ने एक अभियान चला रखा है, मैं आप ही को पूछता हूँ, उद्यान अब पतझड़ कम पड़ा है, पतझड़ का शुरू को ज्यादा था उत्तर जी, आपको क्या ऐसा, मैं गार्डन संबंधित पूछ रहा हूँ जी जी, अभी भी कह रहा हूँ आप सड़क टूट रही है, मेरे को लेना था। हाँ, सही बात, कमल तले का इशू अलग हो गया, मंथन का विषय अलग हो गया, विषय अलग हो गया, बाकी आप मेरे उद्यान संबंधित आप मुझे एक चीज को बताओ उसके अंदर एक कमी हमें जैसे लगी थी, ये पूर्व में भी हो सकता था, ऐसा नहीं उद्यान विभाग पहली बार बना। कमी मैं आपको एक बताता हूँ, मुख्य कमी क्या है, गुलाबबाग के अंदर गुलाब कहाँ है, गुलाबबाग के अंदर गुलाब वाटिका, मैं आपको और बता दूं आपको, आप जो प्रश्न कर रहे हो ना ये 2-3 साल पहले तक तो बिल्कुल उचित था, हमारे मार्गदर्शक और असम के महामहिम जी उनकी आज से 3-4 साल पहले चिंता थी कि इसको अपन गुलाबबाग कहते हैं, जैसे आपने जो प्रश्न पूछा ना कि गुलाबबाग जो कहते थे गुलाबबाग की पहचान बनी हुई है, गुलाब कहाँ है, इसलिए हमने धरोहर संस्था द्वारा गुलाबबाग में गुलाब की सैकड़ों वेराइटी उसके अंदर है, अब उसमें सीजनल कोई ऊपर नीचे हो, सैकड़ों मेरे हिसाब से पूरे इंडिया लेवल पे जितनी गुलाब की क्वालिटी होती है वो गुलाब वाटिका के अंदर गुलाब उपलब्ध है, आप जाके आप देख सकते हो, सीजनल मैंने कहा ना कितनी बाजी थी, चेती हुआ पोस हुआ इसमें कुछ चीज हो सकती है, बाकी आपको 80% कैरी के अंदर आपको गुलाब उसके अंदर दिखेंगे जी। रही बात उस वाटिका से बाहर, आपके चैनल के मार्फत मैं आम जनता से भी आह्वान करना चाहता हूँ, बिल्कुल गुलाब वाटिका में 4 दीवारी के अंदर गुलाब हमने लगा के छोड़ दी, आज भी अगर गार्ड की निगाह या उसकी निगाह जाती है ना लोग बाग गुलाब के पौधे निकाल के लेके घर चले जाते, आज भी स्थिति है, हम चाहते हैं रोड की साइड में गमले उसमें भी खूबसूरत पौधे लगे, लोगों को सुकून मिले, जितने गमले हमारे लगे हुए हैं
शेर वाली फाटक से लगाते हैं। हमने शुरुआत में अच्छे सीजनल प्लांट और अच्छे प्लांट भी लगाए थे, 3 दिन के अंदर प्लांट गायब हो जाते हैं। बाद आते हैं फल के लेके, कुछ थैले में लेके चला जाता, कुछ फल लेके जाता, जब तक आम जनता का भी सहयोग नहीं मिलेगा ना, हम कितना करें। इसलिए उस गुलाब वाटिका को 4 दीवारी के अंदर हमको पैक करना है। गुलाब वाटिका आप देख के आना, वैसे आप देख के आएंगे, आप रेगुलर उसमें घूम रहे हैं, वो बहुत व्यवस्थित थी और बहुत टेक्निकल रूप से व्यवस्थित थी। गुलाब वाटिका का जो पार्ट है ना, जो हमने देखा, मैं पहले भी इलेक्ट्रिक चेयरमैन था, मैं निवासी भी गुलाबबाग के आसपास थे, वहाँ हमेशा बारिश के दिनों में आप वो 10 महीने बहुत अच्छी मेहनत करते थे और अच्छे गुलाब लगते थे। बारिश के 2 महीने जो होते थे वो गुलाब वाटिका पानी से बिल्कुल तर होके सब गुलाब के फूल डूब जाते थे। ये समस्या मैंने दोनों संस्था शिक्योमीटर वाले जब कर रहे थे तब मैंने उनको एक तकनीकी रूप से मैंने बताया, कटर साहब को मैंने बताया, मैंने कहा पैसा अपन कितना भी लगा देंगे, क्या करोड़ रुपए लगा दो आप वाले, लेकिन ये 2 महीने में अपना सत्यानाश हो जाएगा, तो इसमें कुछ संशोधन क्या कर सकते हैं। तो सिंगल साहब को पूरी बात बताई उन्होंने, फिर इसको आपने देखा होगा कि हमने ग्राउंड फ्लोर से एक एक डेढ़ डेढ़ फीट क्यारी बना के उसके अंदर प्लांट किया। इसका कारण यही था क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जैसे बारिश का सीजन आने वाला है, अगर गुलाबबाग में पूरा वो पानी भर जाएगा तो आपने हमने मेहनत किया, धीरे संस्था ने मेहनत की, वो सब एक छोटी सी बात बताएं कि तमाम बार आप ही कहते हैं कि एक समिति की जिम्मेदारी नहीं है, अगर मैं जिम्मेदारी लेता तो मेरा ठेकेदारी ये बोलता, पर सर मान लीजिए कि अगर ये टीम इंडिया है, अपन शहरी सरकार को इंडिया टीम मानते हैं, तो हार की जिम्मेदारी एक खिलाड़ी की थोड़ी ना होती, हार की जिम्मेदारी तो समस्त टीम की होगी। बिल्कुल, इसके अंदर मनसा अच्छी थी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पहले सभी विभाग अलग अलग अपने हिसाब से काम करता था, हमारे नगर निगम के प्रमुख लोगों की ऐसी इच्छा थी अगर कुछ रेवेन्यू का बेनिफिट मिले, अगर खर्चा होता है करोड़ों रुपए का, और अगर उसको अपन अच्छे विचार से अच्छे सुझाव से अगर कोई ऐसा अपन काम करें जिसमें अपना का पैसे की भी सेविंग हो, मकसद वो नहीं है पैसा, नगर निगम में ऐसे काम के लिए पैसे की कमी नहीं है, चाहे महापौर जी, उपमहापौर जी, कमिश्नर साहब, सभी लोग खुले दिल से काम करते हैं, एक नया अनुभव लिया कि सब मिलके एक करें। लेकिन अब इसके अंदर 3 एजेंसी को मर्ज किया है मोटे मोटे तौर पर इस टेंडर के अंदर, घेराज विभाग जो मात्र गुलाबबाग के अंदर गार्ड लगा थी, ये जब तैयारी की ना तब नगर निगम के वरिष्ठ ने मुझे बोला कि महेश जी अपन अगर इस टाइप से कर ले तो क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और ये अनुभव भी पहला था, ऐसा नहीं पहले कहीं कर रखा था उसको देख के हमने किया, और उसमें करोड़ों रुपए लाखों रुपए की नगर निगम को सेव किया। इसमें मुख्य रूप से ज्यादा जो लाइट का विभाग आज भी अलग है, वो अपने हिसाब से काम करती है। घेराज विभाग गार्ड लगाता था, तो हमने कहा क्यों नहीं जो विभाग अपन उसको मर्ज करना चाहते हैं, तीनों विभागों को बोलेंगे अपनी अपनी शक्ति बना के इसके अंदर जी। तो गैराज विभाग का ऑलरेडी गार्ड का इश्यू था, गार्ड में जो भी शर्तें लगती थी भाई कि सैलरी स्केल इनका ये रहता, वर्दी होनी चाहिए, लट इनके हाथ में होना चाहिए, इस टाइप की शर्तें हमने उनसे ली। फिर आए स्वास्थ्य विभाग का, तो स्वास्थ्य विभाग के कितने कर्मचारी लगते थे उनके और क्या उनका पैरामीटर, क्या काम करने का क्या होता था, वो शर्तें इसके अंदर थी। और उद्यान विभाग ऑलरेडी जैसे बड़े पेड़ कटिंग व्यवस्थित होनी थी और सूख रहे उसको पानी पिलाना मेन, और ये कचरा पट्टी, कचरा उद्यान विभाग का सड़क के अलावा कचरा का कोई काम नहीं, क्यारी के अंदर या बड़े बड़े बाग के अंदर कभी भी अपन सफाई नहीं करते क्योंकि वही बारिश के मौसम में खाद बनता है उसके अंदर। सबको करने के बाद विषय भी अब जहां से उठा, जहां से प्रशासनिक विषय में गुलाबबाग का विषय उठा, मैं उसकी जानकारी उपमहापौर जी 365 दिन में मेरे साथ 350 दिन गुलाबबाग जाते हैं, भी जा पाते हैं जनरल, उनको तकलीफ हुई उस गुलाबबाग की दृष्टि से, तो उन्होंने महापौर जी को पत्र किया गुलाबबाग की स्थिति हो रही है और मैंने 4 दिन कर्मचारी लगा के महापौर जी को पत्र दिया, देना भी चाहिए, अच्छी बात भी है। पत्र तो आपने भी लिखा था कुछ शर्तों का, मैं आपको वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ, मैंने पत्र नहीं लिखा,
उपमहापौर जी ने महापौर जी को पत्र लिखा था गुलाबाद की चिंता के संदर्भ में जी। महापौर जी ने वो पत्र गार्डन चेयरमैन अर्जेंट योर कमेंट्स उन्होंने यू को लेटर मेरे को फॉरवर्ड किया जी। मुझे बोला कि इसके अंदर जो उपमहापौर जी ने चिंता जताई है उसके आपके ऊपर आप टिप्पणी जी ठीक समय सीमा भी थी शायद उस दिन शुक्रवार था मेरे को व्हाट्सएप से कागज मिल गया था मेरे पास कागज आ भी गया था ठीक है हमारे माँ अरे हमारे माँ पौर जी ने मांगा तो जवाब तो फिर मैंने फाइल को सर्च किया फाइल सर्च करने के बाद मेरा जो काम था उसके अंदर मैंने जवाब के अंदर क्योंकि फाइल खोल के कोई भी देता और उपमहापौर जी ने भी वहां मंच पे स्वीकार किया मुझे भी पता नहीं था ये शर्त है उन्होंने लिखा तो मैंने क्या उसको पूरा उन्होंने भले मेरे को चार लाइन लिखी है लेकिन मेरे मैंने पूरी टेंडर के अंदर किस विभाग की क्या जिम्मेदारी है क्रम वाइज फोन संख्या एजेंडा नंबर जो भी था उसका हवाला देके मैंने महापौर जी को पत्र लिखा मतलब उन्होंने इनफॉर्मल भाषा में पत्र लिखा पर आपने उसको पूरा फॉर्मेट बना के व्यवस्थित ढंग से सबको पता लगे पता ही तो लगे ना कारण क्या है क्योंकि गुलाबबाग का नाम आते ही डायरेक्ट पब्लिक के दिमाग में आता है उद्यान विभाग लेकिन आम पब्लिक महापौर जी या अन्य जो भी जिम्मेदार आदमी उनको ये पता तो लगे भी कि गार्डन का काम क्या है उस शर्तों के अंदर मयूर जी सबसे बड़ी बात ये उन शर्तों के अंदर आप जैसे बोलते हैं इसको ब्लैक लिस्ट करो तो फलाना करो हर चीज की कानूनी प्रक्रिया होती है हर आदमी इसको समझता है आज कोई कॉन्ट्रेक्टर भी काम कर रहा है या नगर निगम भी काम कर रही है हर चीज नियमानुसार होती है उस शर्त के अंदर सबसे बड़ा बात यह थी सफाई की मॉनिटरिंग शर्तों के अंदर आप अगर मेरे को पहले बोलते तो मैं हो सकता गाड़ी में से कागज भी आपको निकाल के बता देता सफाई की इसमें क्लियर लिख रखा था गार्ड उद्यान विभाग जो भी काम कर रहा है उस कार्य से संतुष्ट है या न है प्रथम सप्ताह हर महीने स्वास्थ्य विभाग निरीक्षक स्वास्थ्य का इंस्पेक्टर स्वास्थ्य का जिम्मेदार ये गुलाबबाग में राउंड करेंगे उस सफर से संतुष्ट या असंतुष्ट जो भी मौके पे जो चीज दिखती है अगर संतुष्ट नहीं है या असंतुष्ट है तो वो नोट शीट बना के या हमारे यहाँ से फाइल मंगा के उसमें उनको उनको नोटिंग डालनी थी कि हमने फलाना तारीख को हमने दौरा किया उसके अंदर गुलाबबाग में ये कमी पड़ गई जी उसके आधार पर हमारे को वापस हमें ठेकेदार को नोटिस देना था क्या नियमानुसार शर्तों में पेनल्टी का जो प्रावधान है हमें देना था जी। और उसके अंतिम सप्ताह अगर जरूरत हो अचूक निरीक्षण महापौर जी आयुक्त महोदय डिप्टी आयुक्त और स्वास्थ्य अधिकारी वो भी अचूक निर्णय महीने के लास्ट अंतिम सप्ताह में जाके देख सकते हैं वो भी जैसा इंस्ट्रक्शन देता है वैसे उद्यान विभाग को करना जी। ये पत्र में मैंने जानकारी दी है। एक छोटा सा प्रश्न का जवाब तीन साल का आपका कार्यकाल तीन सवा तीन साल का कार्यकाल आप लोगों का पूरा हो चुका है अब तक महापौर साहब ने कभी भी या आयुक्त साहब ने कभी भी गुलाबबाग का अचूक निरीक्षण करा क्या हाँ या ना आपके अभियान के बाद जी दो महीने से डेढ़ महीने से आपका अभियान चल रहा है मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है और सार्वजनिक रूप से बोलता हूं साढ़े तीन साल के अंदर और अभी दो महीने से अभियान चल रहा है महापौर जी ने भी चार बार राउंड किया होगा उपमहापौर जी ने भी राउंड किया होगा इस पूरे अभियान में खाली एक बार उपमहापौर जी का मेरे पास फोन आया था महापौर जी भी आ रहे हैं मैं भी आ रहा हूँ शाम को चार बजे गुलाबबाग जी जी और वो विषय था आप द्वारा उठाया गया
एक कोई हमारा कटरा का वो बना हुआ था, उसको बावड़ी बनाया था जी 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 जाना था। हाँ जी, उसके पहले मैं ऑलरेडी देख के आ चुका था उसके अंदर। मैंने आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, उसके अंदर मैंने जानकारी भी दी थी कि मैंने भी व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा तत्काल मेरे आदमी को भेज के, मैंने इसकी रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट मांग के उसके फोटोग्राफ समेत मैंने आपके गुलाब बाग ग्रुप बना, उसमें मैंने जानकारी बता दी। लेकिन फिर भी कुछ साथी लोग इसके अंदर मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बहुत से लोग जाते नहीं है, जाते तो देखते नहीं है, बोला भी ट्रैक्टर लेके अंदर घुसते हैं। तो माँ पॉजिटिव इच्छा थी ऐसी कौन सी जगह इसके अंदर। उस दिन मेरे पास खाली एक बार फोन आया, उसके बाद माँ पॉजिटिव ने चार बार राउंड किया, मुझे कभी बोला नहीं। और मैं भी माँ बोला स्वामी वाली लेके काम करता हूँ, मुझे अगर रात को 12 बजे भी मेरे उच्च अधिकारी बोला महापौजी उपमहापौजी मेरे अधिकारी दूसरे चेयरमैन बैराज के सब लोग थे, तो मुझे जानकारी नहीं मिली तो मैं नहीं। मुझे कभी इंडिविजुअल आदमी था गुलाबबाग के संदर्भ में महापौजी ने कभी भी मेरे को, ये 2 महीने का विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुलाबबाग की भी बात नहीं कर रहा, 3.5 साल के अंदर मेरे उद्यान संबंधी समस्या, उद्यान संबंधी समस्या महापौजी ने कभी मुझे नहीं बताया कि फतेह सागर भी स्थिति खराब हो रही है, दूध तरफ भी स्थिति खराब हो रही है, अफवाह खत्म कर तो आदमी के मामले में कभी मुझे नहीं जानकारी। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे महेश जी, क्या आपको लगता है कि दूसरे समिति अध्यक्षों के बनिस्पत उद्यान समिति अध्यक्ष के पास लिमिटेड पावर है अब की बार, क्या महेश जी को कमजोर करने की साजिश है ये देखो तो आप ये बात तो वही बता सकते हैं उनके मन में क्या है। आपको मन, आपके मन में क्या लगता है, क्योंकि आप पहले भी समिति अध्यक्ष रहे, आपका एक स्वर्णिम कार्यकाल रहा, विद्युत समिति के अध्यक्ष रहे, इस बार आप उद्यान समिति के अध्यक्ष हैं और कई कई लगातार वर्षों से आप पार्षद भी हैं। ऐसा नहीं कि आपने अपने अपने आप को दर्शाया नहीं, क्योंकि आप जनप्रिय नेता भी हैं। इस बार जो आपके साथ हो रहा है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि कई उद्यानों को नगर निगम ने अपने अपने लेवल पर किसी और को ठेके पे दे दिया, तो ये समिति उद्यान समिति अध्यक्ष को कमजोर करने की प्रणाली है क्या? उद्यान को समझने के लिए मयूर जी बहुत बड़ी सोच रखनी पड़ती है। उद्यान क्या छोटी मोटी चीज नहीं है जी। उद्यान क्या होता है, पेड़ क्या होता है, आपको ना हमारा कोई कोरोना महामारी सब बता दिया, उसके ऑक्सीजन क्या चाहिए जी। महापौर जी को निश्चित रूप से, महापौर जी ने, इस बोर्ड के महापौर जी ने उद्यान को कभी गंभीरता से नहीं लिया जी। तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ नए गार्डन डेवलप करने उनमें उनकी रुचि नहीं है, नए पेड़ जो लगाने हैं उनमें उनकी रुचि नहीं है। उनकी रुचि नहीं तो आप इसके साथ जोड़ सकते हो उद्यान को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, या वो सोचते हैं कि उद्यान विभाग को पावर देना नहीं। कि मैंने हर बार महापौर जी को भी बोला है आप भले मुझे नया काम मत करना दो, कोई दिक्कत नहीं जी, मुझे कम से कम वो पावर दो वर्षों पुराने अपने बाप दादाओं ने या नगर निगम के पूर्व लोगों ने जो काम किया है उसको मैं मेंटेन रख दूं, कभी मुझे सफल नहीं लगा। लेकिन वो कभी भी गार्डन का इंतजार नहीं लिया। आज एक कॉलोनी के अंदर नगर निगम के 200 गार्डन है, आज 75-80 गार्डन बिल्कुल वीरान पड़ा है, लोगों में कचरा मार रखा है। मैं बार बार उनको कहता हूँ हर वार्ड के अंदर एक एक दो गार्डन को डेवलप करो, डेवलप करने से एक वातावरण चेंज होता है, कचरा स्टैंड होता है, वहाँ का लोगों को बच्चे और सीनियर सिटीजन घूमने का एक बन जाता है। लेकिन क्या मानू क्या उनके दिमाग के अंदर है, गार्डन को निश्चित रूप से उन्होंने आज दिन कभी गंभीरता से नहीं लिया। आज दिन तक उदयपुर की किसी गार्डन की समस्या के संदर्भ में आज दिन तक उन्होंने मुझे कभी शिकायत नहीं की कि महेश जी वो पेड़ क्यों सूख रहे हैं, वो पौधे क्यों सूख रहे हैं, ये डिवाइडर क्यों खराब हो रहा है, ये गार्डन क्यों खराब हो रहा है। जबकि महापौर जी रोज सुबह खुद जाते हैं सुखाड़िया मेमोरियल पार्क में घूमने, वहाँ की बदहाली के बारे में कभी कुछ बताया आप? सुखाड़िया मोलाजी सुखाड़िया साहब के रोजा नशीले जो है जी, मैं आपको बता दूं गुलाबबाग दीनदयाल गार्डन नगर निगम के अंदर वो प्रॉपर्टी भी हमारी है हिसाब से जी। ये जो तीनों पार्ट जो हैंड ओवर हुआ है ना गुलाबबाग और ये, जिसमें बड़ा समाधि वाला भी हमारे पास हुआ है। लेकिन हमने वहाँ इसलिए आधिपत्य नहीं जमाया कि वो लोग गार्डन उसको व्यवस्थित मेंटेन कर रहे हैं जी।
निश्चित रूप से मालिकाना का आज की तारीख में हमारा है जी, ये आपको भी जानकारी नहीं और बुधपुर में किसी को भी जानकारी नहीं जी। लेकिन हमने आज तक जो हमारे पास हैंड ओवर होने के बाद भी हमने आज तक इसके अंदर कभी हमने पैर नहीं दिया। क्यों? तो महापौर जी ने बोला वो अच्छा संभाल रहे हैं, तो कर रहे हैं, तो अपने को देखने की आवश्यकता नहीं। उसकी बहुत अच्छी स्थिति है, वो भी मुझे भी इतराज नहीं है। बदहाल स्थिति है तो मुझे इतराज नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक उसको एक भी बार हमने मॉनिटरिंग भी नहीं किया, हम कभी अंदर गए भी नहीं। वहाँ की मैं तो आपकी वहाँ की बात क्यों कर रहा हूँ, आपको मुझे कभी नहीं कहा, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अभी तक जो शिकायत की मेरे को, उनके घर के सामने जो डिवाइडर था, कभी उधर से निकलते थे, उसकी मुझे 25 बार शिकायत की होगी। अरे यार वो पेड़ सूख रहे हैं, वो सूख रहे हैं, वो कटिंग नहीं कटिंग नहीं। सात सकल से उनके घर के बीच में जो डिवाइडर था, उसके अलावा मुझे आदमी तक कभी समझते नहीं, उसके लिए 25 बार अनुभव था जी। तो धन्यवाद, हमारी विशेष मुलाकात थी महेश जी त्रिवेदी साहब ने, और जिन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 3.5 साल में जब से ये आंदोलन शुरू हुआ उससे 2 महीने के समय में उन्होंने जरूर अच्छे एक निरीक्षण 3-4 बार किए, पर उससे पहले का जो समय रहा वो बिल्कुल निष्क्रिय रहा।